और सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर हैं और राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024 को लेकर एक्टिव हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में है। प्रमुख देशों के राजदूतों राजनयिकों के साथ राउंड टेबल मीटिंग, साथ ही केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के साथ कॉन्क्लेव होगी और राजस्थान में निवेश की संभावनाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के कॉन्क्लेव में भी चर्चा होगी। तो प्रदेश में निवेश की तमाम संभावनाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। इसी के साथ कल अपने संबोधन में भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहते हुए नजर आए कि प्रदेश में बहुत संभावनाएं हैं। तो चलिए और अधिक जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता लाल सिंह फौजदार लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं जोधपुर हाउस से। फिलहाल लाल सिंह, क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए, दो दिवसीय ये पूरा जो कार्यक्रम है, आज दूसरा दिन है। आज के कार्यक्रमों की चर्चा करें। कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में भी कहा था, वाकिफ करवाया था प्रदेश में जो भी संभावनाएं निवेशकों के लिए होने वाली हैं उनसे। देखिए मनीषा, बिल्कुल, आज जो दिल्ली में कॉन्क्लेव होने जा रही है उसका दूसरा दिन है और आज का दिन भी काफी अहम है। कल जिस तरह की तस्वीर देखने को मिली, एक उत्साहजनक तस्वीर राजस्थान के लिए कह सकते हैं। करीब 8 लाख करोड़ से अधिक के एमओयू हुए हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, क्योंकि उससे पहले मुंबई में जो रोड शो हुआ था तो 4.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन किए गए थे। तो ये उत्साह बताता है कि राजस्थान की धरती पर उद्योगपति किस तरह अपने उद्योग स्थापित करना चाहते हैं। चूंकि आज अगर हम बात करें, जैसा कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी अपने संबोधन में कहा था कि किस तरह आज अनुकूल माहौल है राजस्थान में। राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है। राजस्थान जहाँ सबसे अधिक सूर्य भगवान की कृपा होती है, यानी कि अक्षय भंडार है सौर ऊर्जा का। राजस्थान जहाँ शांति प्रिय प्रदेश है। राजस्थान जहाँ तमाम हाईवे निकलते हैं, मुंबई हाईवे कर लो, दिल्ली हाईवे कर लो, आप तमाम शहरों से कनेक्टिविटी अब आसान हो गई है। तो मनीषा, एक तस्वीर, यानी कि उद्योगपति को जो चाहिए, वो चाहते हैं कि शांत प्रदेश मिले तो राजस्थान है, वो चाहते हैं कनेक्टिविटी हो तो राजस्थान है, वो चाहते हैं बिजली पानी सड़क का तंत्र मजबूत हो तो राजस्थान, और उस दिशा में राजस्थान सरकार काम कर रही है। तो और इसके साथ एक बात बहुत साफ है, क्योंकि जो रुझान देखने को मिल रहा है वो ये बता रहा है कि राजस्थान पर भरोसा कितना बढ़ता जा रहा है। और फिलहाल मेरे से भी हेमंत बता रहे कि फिलहाल सीएम भजनलाल शर्मा कभी भी जोधपुर हाउस से निकल सकते हैं, क्योंकि कल लगातार उनके 11 से 8 बजे तक 1-to-1 संवाद हुआ, उससे पहले मीटिंग्स हुई तमाम उद्योगपति साथ। और आज का जो दिन है उसमें मनीषा, जो राष्ट्रदूत हैं, जो राजनयिक हैं हमारे अलग अलग देशों के, जो अपने अपने देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं यहाँ पर देश में, उनसे चर्चा होगी, उनको आमंत्रित किया जाएगा, उनको ये बताया जाएगा कि राजस्थान किस तरह निवेश के लिए पूरी तरह से तैयार है और आप आइए राजस्थान की धरती पर निवेश करिए, और उनको ये बताने का पूरा, क्योंकि उनको आमंत्रित किया जाएगा। और ये एक प्रयास जो सीएम भजनलाल शर्मा कर रहे हैं कि पधारो मारो देश की तर्ज पर, जो हमारा अतिथियों को स्वागत करने की परंपरा है कि पधारो मारे देश, तो प्रदेश के मुखिया खुद जाकर पधारो मारो देश को लेकर कह रहे हैं कि आइए आप, आपका स्वागत है, आप अपने निवेश करिए। और देखिए, पहली बार एक इस तरह का प्रयास देखने को मिल रहा है, जैसे कि इससे पहले भी लगातार मनीषा दर्शकों से रूबरू हुए तो हमने बात की कि ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि जब कोई सरकार सत्ता में आने के पहले साल में ही राइजिंग राजस्थान करने जा रही हो। इससे पहले भी तमाम इस तरह के कार्यक्रम हुए, हर सरकार करती है, लेकिन अक्सर देखने को मिलता है वो सरकारें अंत में, यानी कि चौथे साल में या तीसरे साल में करती हैं, लेकिन उन्होंने पहले साल में बीड़ा उठाया। और एक बात जो देखने को मिली वो ये है कि अब इस राइजिंग राजस्थान को, यानी कि जो इन्वेस्टर के साथ मीट है, समिट है, उसको रेगुलर किया जाएगा। यानी कि अभी सरकार एक निकालेगा अपना कार्यक्रम निकालना तय होगा, जिसमें बताया जाएगा कि साल में या 1.5 साल में इस तरह के कार्यक्रम किया जाने प्रस्तावित होगा, यानी कि अब इसको एक रेगुलर वेस पर किया जाएगा। और फिलहाल तस्वीरें आप नजर रखिए, कभी भी सीएम भजनलाल शर्मा निकल सकते हैं और इसके बाद सीधे वो मनीषा पहुंचेंगे होटल रोड, जहाँ पर तमाम जो आज के कार्यक्रम होंगे। इसके साथ ही आज भी लगभग वही रहेगा कार्यक्रम, 1-to-1 मीटिंग रहेंगी राजनयिकों के साथ, संवाद रहेगा, और करीब वही 8 बजे तक का उनका आज शेड्यूल है। पूरी तरह से आज का दिन उनका इन्हीं मीटिंग्स में जाना है। और राजवर्धन सिंह राठौड़ भी इस दौरान मौजूद रहेंगे, जो प्रतिनिधिमंडल है सरकार का, राजस्थान सरकार का, जिसमें सुधांशु पंत हैं, शेखर अग्रवाल हैं, तमाम अधिकारी हैं, वो भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो मकसद सिर्फ इनका यही है कि राइजिंग राजस्थान कैसे राजस्थान के लिए राइजिंग। बिल्कुल लाल सिंह, देखिए सबसे पहले तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा दें, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा फिलहाल नजर आ रहे हैं और यहां से अब होटल पहुंचेंगे जहां पूरा कार्यक्रम है, कॉन्क्लेव है। सीधी तस्वीरें जोधपुर हाउस से फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा
यहाँ से रवाना हो रहे हैं और लगातार तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर्स समिट को लेकर कार्यक्रम दो दिवसीय दिल्ली में, और आज कार्यक्रम का दूसरा दिन है, कॉन्क्लेव है, और ऐसे में आज भी तमाम निवेशकों से संवाद होगा। प्रदेश में मिलने वाली अपार संभावनाओं से उन्हें रूबरू करवाया जाएगा और लगातार तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जोधपुर हाउस से फिलहाल रवाना हो रहे हैं और होटल पहुंचेंगे, जहां आज कॉन्क्लेव का दूसरा दिन है। और ये तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर। फिलहाल जोधपुर हाउस से रवाना होते हुए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का काफिला, और सबसे पहले तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा रवाना हुए हैं अभी जोधपुर हाउस से। और अब क्योंकि आज कॉन्क्लेव का दूसरा दिन है और अब दिसंबर तक कहीं ना कहीं सरकार की, प्रदेश सरकार की जो तमाम वरिष्ठ अधिकारी जिन्हें पूरी टीम में शामिल किया गया है राइजिंग राजस्थान को लेकर, कवायद यही रहने वाली है कि कैसे सफल बनाना है पूरे इवेंट को। लाल सिंह, बिल्कुल तस्वीरें हमने देखी, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा रवाना हो गए हैं फिलहाल जोधपुर हाउस से, और अब दिसंबर तक कहीं ना कहीं यही कवायद रहने वाली है उन तमाम वरिष्ठ अधिकारियों को जिनको शामिल किया गया है पूरी टीम में, सफल बनाना है राइजिंग राजस्थान। और उसी को लेकर, क्योंकि अब समय भी कम रह गया है, तो लगातार एक्टिव मोड में तमाम जो अधिकारी हैं, वो भी खुद सूबे के मुखिया भी। देखिए बिल्कुल मनीषा, इसमें कोई दोराय नहीं है कि जिस तरह सीएम बजल्ला सरकार पूरी तरह से गंभीर है इस मामले को लेकर, और देखिए नए नए नवाचार के साथ कैसे इस राइजिंग राजस्थान को सफल बनाया जाए। आपने देखा कि 25 देशों में अलग अलग आईएएस तय किए गए हैं, यानी कि 25 देशों में राइजिंग राजस्थान का काम देखेंगे। इसके साथ ही सभी विभागों में आरएएस अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, उनके ट्रांसफर भले उनके विभागों से बदल जाए, लेकिन राइजिंग राजस्थान में जिस विभाग की जिम्मेदारी दी जाएगी वो उस विभाग को देखेंगे। तो ये बताता है किस तरह एक मैकेनिज्म के साथ, इस तैयारी के साथ। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन आपको बता दें मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा रवाना हो गए हैं जोधपुर हाउस से।